अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियोस वर्ल्ड की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर अल मारूफ डीजे, जो आपको दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात और इसके अलावा बहुत सी फिल्मों, ड्रामों और कोक स्टूडियो में अक्सर नज़र आते हैं, उनके हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई है जो टीवी पर नज़र आने वाली उनकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ और मनफी है। और ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि मोहसिन अब्बास इस बार मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं, और उनको एक्सपोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी शरीक हयात फातमा सुहेल हैं, जिन्होंने ताज़ा तरीन फेसबुक पोस्ट में अपने शोहर मोहसिन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। मैं फातमा हूँ, मोहसिन अब्बास की बीवी, और मेरी कहानी यह है कि मैंने 26 नवंबर 2018 को अपने शौहर को गैर औरत से ताल्लुकात रखने पर जब पकड़ा तो बजाय शर्मिंदा होने के वो मुझे मारने लगा, और मैं उस वक़्त एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और पाँव से ठुड्डे भी मारे और मेरे मुँह पर मुक्के भी मारे और दीवार में भी दे मारा। उनका ये भी कहना था कि बेटी की पैदाइश पर भी मोहसिन सिर्फ वक्ती पब्लिसिटी के लिए हॉस्पिटल आया और आकर कुछ तस्वीरें खिंचवाईं और चला गया। जब मैंने उन्हें बच्चे की जिम्मेदारी लेने का कहा तो उन्होंने फिर मुझे मारा और तलाक की धमकियां भी दी। अब मैंने फैसला कर लिया है कि बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अपनी बात के सबूत के तौर पर फातिमा ने तस्वीरें भी शेयर की जिनमें तशद्दुद के निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी मोहसिन अब्बास के वहशियाना तशद्दुद की। ये सेलिब्रिटीज़ शोहरत के नशे में ऐसे धुत हो जाते हैं कि अपने प्यारों तक को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। मोहसिन अब्बास ने भी एक और लड़की, जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, की खातिर अपनी बीवी और बच्चे तक को नहीं छोड़ा और वहशियानापन की तमाम हदें क्रॉस कर दी। और जैसा कि हम पहले भी आपको अपनी वीडियोस में दिखा चुके हैं कि हम इन नाम निहाद सेलिब्रिटीज़ को पता नहीं क्या समझ लेते हैं और इनकी हमायत में लड़ने मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, और असल में ये क्या निकलते हैं, इस वीडियो से आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम इन लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, मेरा और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।